वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है विराजी। मूवी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, अगर मेकर्स चाहते तो 2 घंटे के आसपास बना सकते थे, लेकिन मूवी की कहानी इन शॉर्ट में रख दी। समरी बताकर स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में आधी रात को एक बंदा किसी की चिता जला रहा होता है। चिता जलने के बाद एक पुजारी अस्थियों को एक मटके में बंद करके उस बंदे को देने लगता है। वो बंदा इस मटके को मतलब इस अस्थियों को कहीं पर ले जाने लगता है और उसी तरह बहुत फूट फूट के रोने भी लगता है। उसके बाद सीन 5 दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर पहले कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। पहले बंदे का नाम है एस आई प्रभाकर, और ये प्रभाकर अपने काम को लेकर बहुत ही सिंसियर होता है। रिसेंटली इसके पास एक केस आता है कि एक स्टूडेंट कॉलेज में ड्रग्स बेच रहा है। कांस्टेबल से कहने लगता है केस के ऊपर कोई भी फाइल दर्ज मत करो, छोड़ दो इसको। उसी वक्त प्रभाकर का हायर ऑफिसर प्रभाकर को कॉल करके किसी जगह पर जाने के लिए कहता है, समथिंग लाइक सिक्योरिटी टाइप। दूसरे सीन में फोटोग्राफर राजू को दिखाया जाता है। काफी सारे लोग इसको कॉन्सेप्ट राजू कहकर बुलाते रहते हैं। वेडिंग शूट के लिए ये बंदा बहुत फेमस होता है और इसी तरह बहुत बिजी भी। नेक्स्ट बंदी का नाम है वेदा, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होती है। इसके दिमाग में जो भी घटिया जोक आता है वो पहले अपने हस्बैंड को सुनाती है। वेदा का हस्बैंड इसके जोक्स को बहुत ही लाइटली लेने लगता है, ना हंसता ना रोता। तभी एक कंपनी वाले वेदा को किसी इवेंट पर इनवाइट करते हैं। सो फाइनली इस तरह से कुछ लोग इकट्ठा होकर उस इवेंट पर जाने लगते हैं। कंपनी खुद इन लोगों के लिए गाड़ी भिजवाती है। फाइनली रात होने के बाद ये सारे लोग उस इवेंट की प्लेस पर पहुंच जाते हैं। अशोक नाम का एक बंदा यहाँ का इवेंट मैनेजर होता है, यहाँ के सारे लोगों को रिसीव करने लगता है। उसी जगह पर रामकृष्ण नाम का एक स्वामी जी भी होता है। प्रोड्यूसर कोदंडम रामकृष्ण को देखकर फटाफट से इसके पैर पड़ने लगता है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से इस प्रोड्यूसर की फिल्में फ्लॉप होती आ रही है। कोदंडम यही दुख भरी दास्तान इस स्वामी जी को सुनाने लगता है। रामकृष्ण कहने लगता है कि कोदंडम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अब तक तुम्हारी फिल्में फ्लॉप हो गई है, लेकिन तुम्हारी आगे की मूवीज ब्लॉकबस्टर होने वाली है। पहले तुम्हारी जिंदगी में उतार थे और अब चढ़ाव आएंगे। उसी जगह पर डॉक्टर सुधा नाम की एक औरत भी रहती है। अशोक से कहने लगती है कि एक्चुअली मैं इस इवेंट पर नहीं आई, मुझे एक बंदे से मिलना है। अशोक कहने लगता है, हाँ हाँ मैडम, मैं आपके बारे में जानता हूँ, इवेंट खत्म होने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वो पुलिस वाला प्रभाकर, वेदा और सुधा इस सारे बिल्डिंग को बस ऐसे ही देखते रहते हैं। और दिखने में ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर इवेंट होने वाला है। इनके अलावा यहाँ पर आम पब्लिक होती ही नहीं। तभी इस बिल्डिंग के अंदर रमना और कीर्ति नाम के एक कपल भी आते हैं हनीमून मनाने के लिए। मतलब इन दोनों को एक मैसेज आया था कि अगर आप इस होटल में स्टे करोगे तो आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा। तो अपना हनीमून मनाने के लिए ये दोनों यहाँ पर आते हैं, लेकिन इन दोनों को भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई होटल है। दूसरी तरफ डॉक्टर सुधा को कुछ नेम प्लेट्स नजर आते हैं जिसमें ऐसा लिखा होता है, वार्ड ए वार्ड बी। उसी वक्त अशोक माइक लेकर अनाउंस करने लगता है कि इवेंट स्टार्ट होने वाला है, आप फटाफट से मीटिंग हॉल में आ जाइए। तो सारे लोग फटाफट से उस मीटिंग हॉल में जमा हो जाते हैं। उसके बाद अशोक एक पेपर में देखकर कुछ नेम्स को पढ़ने लगता है और कहने लगता है, इन नामों को सुनने के बाद क्या आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? ये सारे लोग आप लोगों की वजह से मारे गए। यह सुनने के बाद सारे के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं, अपनी सीट से उठ खड़े हैं। पहले तो प्रोड्यूसर कोदंडम के बारे में ऐसा लिखा होता है कि तुम्हारे पास भार्गवी नाम की एक लड़की आई थी, उसको कमिटमेंट के नाम पर उसकी मौत का कारण बने तुम। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन वेदा फ्रेंडशिप के नाम पर सेल्वी नाम की एक लड़की को धोखा देकर उसकी मौत का कारण बनी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट राजू, तुम्हारी झूठी गवाही से संध्या नाम की एक लड़की मर गई। या सही प्रभाकर, तुमने अपने स्टेशन में सागर नाम के एक बंदे को मार पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया और एक्सीडेंट के नाम पर केस क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है स्वामी रामकृष्णा, तुमने प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए अपने भाई को ही मार दिया। फेमस गायनेकोलॉजिस्ट सुधा, बिल पे करने में लेट होने की वजह से सीता नाम की एक लड़की को ऑपरेशन नहीं किया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट रमना एंड कीर्ति, दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए एक स्कूल बच्चे की जान ले ली और आप दोनों ने बिना पीछे पलटकर देखे वहाँ से चल दिए। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद अशोक घबराने लगता है, आगे के लाइन्स नहीं पढ़ पाता। तो वो स्वामी जी उस पेपर को लेकर पढ़ने लगता है। उसमें ये लिखा होता है कि अशोक चक्रवर्ती, होटल में हिडन कैमरास रखकर लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया तुमने, उन वीडियोस के जरिए से ब्लैकमेल किया, बिजनेस किया। आप सारे लोग किसी न किसी को मारकर हैप्पीली अपनी जिंदगी गुजार रहे हो
आप लोग कानून की नज़र से बच सकते हो, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं। गुनहगार को सजा मिलेगी ही मिलेगी। और एक और बात यह है कि आज रात आप लोगों की आखिरी रात है। तो ऐसा पढ़ते ही सारे लोगों के होशी उड़ जाते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में ही नहीं आता। तभी प्रोड्यूसर को गुस्सा आकर अशोक को बहुत मारने पीटने लगता है। तुमने ही हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, तुम ही हमारे साथ नाटक कर रहे हो। अशोक कहने लगता है कि सर एक हफ्ते पहले मुझे एक मेल आया था, उसमें बस यही लिखा था कि मैं आप लोगों को पिकअप कर लूं, और इसी तरह इस बिल्डिंग में एक एनवलप कवर होता है, ठीक 8 बजे इस एनवलप कवर को ओपन करके पढ़ूं। बस सर वही मैंने किया, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी डॉक्टर सुधा कहने लगती है कि एक्चुअली ये इवेंट हॉल है ही नहीं, ये एक मेंटल असलम है। 1970s के दौरान एक पहाड़ी के ऊपर पागल लोगों के लिए एक मेंटल असलम बनवाया था। कुछ सालों तक वो मेंटल असलम अच्छा ही चलने लगा। उसी दौरान मेंटल पेशेंट्स को काउंसलिंग देने के लिए रशिया से एक डॉक्टर आया था। सारे पेशेंट्स को देखकर वो रशिया वाला ये कहने लगा कि ये सारे लोग पागल नहीं है, इन लोगों के अंदर शैतान बसा है। वो डॉक्टर उन पेशेंट्स के साथ एक्सट्रीम टॉर्चर मेथड इस्तेमाल किया। उस टॉर्चर को ना सहते हुए वहाँ के पेशेंट्स एक के बाद एक मरने लगे। उस हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्डन एक जर्नलिस्ट को इस हॉस्पिटल के बारे में बताया। वो जर्नलिस्ट पेपर में इसकी न्यूज छापने पर गवर्नमेंट इस एसएलएम को सील डाल दिया। सुधा कहने लगती है कि जब मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी उस वक्त मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में सुना था, लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि आज मैं इसी हॉस्पिटल के अंदर हूँ। तो इस बिल्डिंग की हकीकत जाने के बाद सारे लोग तो होशी उड़ जाते हैं। और एक और शॉकिंग बात यह है कि बाहर एक भी गाड़ी मौजूद नहीं होती, सारा पार्किंग एरिया खाली। खराब यहाँ का सिचुएशन देखकर वो प्रोड्यूसर कोदंडम वो स्वामी रामकृष्णा को बहुत गालियाँ देने लगता है, क्योंकि ये रामकृष्णा खुद एक क्रिमिनल है और स्वामी बन के बैठा दूसरों को सलाह देने लगा। तभी वो ऐसे ही कहने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ पैदल ही सही, अगर कोई भी मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है, जो नहीं आना चाहता वो यहीं पर मरो। इस तरह से उस ऐसे ही के साथ फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर जाने लगते है। यहाँ पर फोन में नेटवर्क का सिग्नल भी नहीं होता। रास्ते के दरमियान वो प्रोड्यूसर इन दोनों से कहने लगता है कि आप दोनों चलते रहिए, मैं अभी सूसो कर आया। इस तरह से वो प्रोड्यूसर कोदंडम साइड में जाने लगता है। फोटोग्राफर और वो ऐसे ही पैदल चलते रहते हैं। बहुत दूर आने के बाद ये दोनों थककर किसी जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी वो प्रोड्यूसर इन दोनों के पास आता ही नहीं, जिसकी वजह से ये पुलिस वाला और फोटोग्राफर वापस जाने लगते हैं उस प्रोड्यूसर को देखने के लिए, लेकिन वो प्रोड्यूसर कहीं पर भी नजर ही नहीं आता। तभी ये दोनों उस सड़क के पास कुछ खून को देखते हैं। इस ब्लड को फॉलो करने पर इन दोनों को उस प्रोड्यूसर की लाश नजर आती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसके सर पर जबरदस्त तरीके से वार किया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। तभी इन दोनों के पास एक कार आती है। दूसरे सीन में एंडी नाम का एक बंदा इस पुराने बंगलों के पास आता है। जब अशोक दरवाजा ओपन करता है तो एंडी अशोक से ड्रग्स मांगने लगता है। अशोक एंडी को इस बंगलो के अंदर बुलाकर इसको इंतजार करने के लिए कहता है, मतलब एक्चुअली एंडी माल लेने के लिए यहाँ पर आता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले प्रभाकर को दिखाया जाता है। एक्चुअली एसआई और फोटोग्राफर के पास एंडी की ही गाड़ी आई थी, लेकिन ये दोनों डर के मारे नीचे जंप लगा दी। खैर जब ये एसआई होश में आता है तो इसके बगल में वो फोटोग्राफर मौजूद नहीं होता, उसको ढूंढते रहता है। इस तरफ बंगलो के अंदर अशोक एंडी को वो पेपर लाकर देने लगता है जो थोड़ी देर पहले इन लोगों ने पढ़ा था, और इस पेपर में एंडी के बारे में भी लिखा होता है कि एंडी ने इसके बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। इस तरफ इस पुलिस वाले को वो फोटोग्राफर नजर आता है। इसके पेट में एक लकड़ी चुप चुकी होती है, शायद किसी ने स्टैब किया हो उसको। ये फोटोग्राफर राजू मर जाता है। ये पुलिस वाला डर के मारे उसी पुराने बंगलों के पास आ पहुँचता है और वहाँ के बाकी लोगों से कहने लगता है कि वो फोटोग्राफर और वो प्रोड्यूसर मर गए, किसी ने उन दोनों को मार दिया। उसके बाद सारे लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये सारे लोग एंडी के गाड़ी में वहाँ से वापस चले जाएंगे। इस तरह से जब ये सारे लोग उस घर से बाहर जाते हैं तो बाहर एंडी की कार मौजूद नहीं होती। और एक और शॉकिंग बात ये है कि वहाँ पर वो इवेंट मैनेजर अशोक की लाश होती है। उसी वक्त इस पुराने बंगलों की सारी लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद एंडी को उसी पुराने बंगलों में कुछ दारू की बॉटल्स नजर आती है। वो दारू पीते हुए इन सारी चीजों को बहुत ही लाइटली लेने लगता है। रमणा और कीर्ति से पूछने लगता है कि आप दोनों यहाँ पर कैसे आए, तो रमणा अपने बारे में इन सारे लोगों को बताने लगता है कि ये दोनों यहाँ पर कैसे आए। एक्चुअली रमणा को कूपन्स और ऑफर्स का बहुत शौक होता है। एक दिन रमणा अपनी बीवी के पास आकर एक खुशखबरी सुनाने लगता है कि आज मैंने एक बड़े से होटल में एक अच्छा ऑफर मारा, दोपहर को लंच वहीं पर करते हैं हम दोनों। इस तरह से रमणा अपनी बीवी को उस होटल के पास ले जाता है। शॉकिंग बात यह है कि इस होटल को बंद हुए 1 साल के ऊपर हो चुका होता है और ऊपर से लोकेशन भी कोसों दूर। तो ऐसे ही एक दिन रमणा को एक हनीमून का पैकेज आया।
तो उसी ऑफर के चक्कर में ये दोनों यहाँ पर आकर फंस गए। खैर इसके बाद एंडी तो अब ड्रग्स का एडिक्ट होता है ना, डॉक्टर सुधा के पास आकर इसको इंजेक्शन देते हुए कहने लगता है कि आप मुझे थोड़ा इंजेक्शन डालोगे, मतलब एंडी को ड्रग्स डालने के लिए कहता है। तो ये देखने के बाद वो स्वामी जी इस ड्रग्स की बॉटल को फेंक देता है। एंडी इस स्वामी जी को बहुत डांटने लगता है, अरे ब्रो तुमको पता है तुमने क्या किया, वो कितना कॉस्टली है ये तुम नहीं जानते, स्टफ के लिए मैंने 2 महीने तक वेट किया, अब पता नहीं कब मिलेगा मुझे। डॉक्टर सुधा पुलिस वाले से पूछने लगती है, सर क्या आपने उस किलर को देखा? पुलिस वाला कहने लगता है, नहीं मैंने उसको नहीं देखा। तभी एंडी कहने लगता है कि गाइस मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। इस तरह से ये बंदा एक पैड लेकर ओइजा बोर्ड बनाने लगता है स्पिरिट गेम खेलने के लिए। कहने लगता है कि मैं इस गेम में प्रोफेशनल हूँ, अभी यहाँ पर 3 लोग मरे हैं ना, मैं उनकी आत्मा को यहाँ पर बुलाऊंगा, उनकी आत्मा हमको सच बताएगी। अब इसका पागलपन देखकर वो स्वामी जी बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। इसके पीछे पीछे कीर्ति भी आती है और स्वामी जी से पूछने लगती है कि स्वामी जी आपको एंडी को देखकर क्या लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही है वो एंडी की वजह से हो रही है। स्वामी जी कहने लगता है, नहीं नहीं बेटा वो एक पागल बंदा है, ड्रग एडिक्ट है वो, और वैसे भी जब वो इवेंट मैनेजर बना था एंडी तो हमारे पास ही था, और उसी तरह यहाँ पर फोन सिग्नल्स भी नहीं है। इसी बातों ही बातों में वो स्वामी जी अचानक मर जाता है। कीर्ति जोर जोर से चिल्लाने पर बाकी लोग फटाफट से बाहर आते हैं। देखने पर ये बात पता चलती है कि इस स्वामी जी के पैर को किसी सांप ने काट लिया, इसीलिए इसकी मौत हो गई। उसी वक्त डॉक्टर सुधा को भी कुछ होने लगता है, ये कुछ अजीब से बिहेव करने लगती है। इस तरह बंगलों के अंदर एंडी अपनी जगह से नहीं हिलता, यही कहते रहता है कि स्वामी जी की आत्मा आओ, स्वामी जी की आत्मा आओ। रमना पूछने लगता है कि आखिरकार कर क्या रहे हो तुम? एंडी कहने लगता है, अरे अभी अभी वो स्वामी मरा है ना, फ्रेशली उसकी आत्मा को बुला रहा हूँ, हमारे आसपास ही भटक रही होगी। तभी उस पुलिस वाले को गुस्सा आकर एंडी को बहुत डांटने लगता है, यहाँ पर लोगों की जान जा रही है और तुमको मजाक सूझ रहा है। इस तरह से एक बियर की बोतल लेकर इसके सर पे वार कर देता है। एंडी के सर से बहुत खून बहने लगता है, लेकिन एंडी इस चीज को बहुत ही लाइटली लेने लगता है। एंडी बाकी लोगों से कहने लगता है कि आखिरकार मैंने गलत क्या किया, मैं तो बस आप लोगों की मदद कर रहा हूँ आत्माओं को बुलाकर। खैर थोड़ी देर के बाद सारा मामला ठंडा हो जाता है। वेदा कहने लगती है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मुझे मेल आया था कि किसी इवेंट पर परफॉर्म करना है, लेने के लिए गाड़ी आएगी, सो मैं ऐसे यहाँ पर आ गई। डॉक्टर सुधा कहने लगती है कि मुझे तो कॉल आया था कि चेयरमैन की बीवी को कुछ हेल्थ इश्यूज है, वो मेरे लिए गाड़ी भेजेंगे, इस तरह से मैं यहाँ पर आ गई। यसआई कहने लगता है कि मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस जगह पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज होने वाले है, वही देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब एंडी कहने लगता है कि एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है, सारे मेरे फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहता हूँ, और मुझे कुछ स्टफ भी चाहिए था, किसने मुझे कहा था कि यहाँ पर कुछ स्टफ मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। इसी बातों के दरमियान में कीर्ति को सूसु आने की वजह से रमना और कीर्ति वॉशरूम पर जाने लगते हैं ऊपर, बाकी लोग नीचे ही बैठकर बस ऐसे ही बातें शातें करते रहते हैं। तभी डॉक्टर सुधा को दोबारा कुछ होने लगता है, मतलब इसको कुछ विजन्स नजर आते रहते हैं, इसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। बाद में सुधा इस बिल्डिंग के ऊपर जाने लगती है और ये ऐसे जाने लगती है कि ये अपने होश में ही नहीं। ऊपर जाने के बाद इसको रमना और कीर्ति की लाश नजर आती है जो लटक रहे होते हैं, शायद किसी ने इन दोनों को फांसी लगा दी। ये देखकर सुधा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, बाकी लोग भी ऊपर आकर यहाँ का नजारा देखकर इनके भी होश उड़ जाते हैं। जब सुधा नीचे आती है तो सुधा को फिट्स के दौरे पड़ने लगते हैं, बहुत ही मुश्किल से सुधा संभलती है। उसके बाद एंडी बाकी लोगों से कहने लगता है कि बाहर काफी सारे लोग काफी सारे क्राइम्स करते हैं, लेकिन ये बंदा हम लोगों को ही क्यों सिलेक्ट किया, जिसका मतलब हमारा और उस बंदे के बीच कोई कनेक्शन है, पहले हम लोग अपने क्राइम्स के बारे में एक दूसरे को शेयर करेंगे, देखते हैं हम लोगों के अंदर ऐसी क्या कॉमन चीज है। इस तरह से एंडी पहले वेदा से पूछने लगता है कि वेदा तुम्हारी कहानी बताओ। वेदा कहने लगती है कि पहले मैं एक बैंक में काम किया करती थी, उस टाइम सेल्वी नाम की एक तमिल लड़की कैशियर की तरह ज्वाइन हुई थी, बहुत ही कम समय में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मेरे पापा को हार्ट स्ट्रोक आया था, डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी करनी पड़ेगी, खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। मुझे समझ में ही नहीं आया कि पैसे कैसे अरेंज करूं। सेल्वी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे बैंक के पैसे दे दो, कुछ दिनों के बाद मैं लौटा दूंगी। अनफॉर्चुनेटली दूसरे दिन ही बैंक में इंस्पेक्शन के लिए आए। अब बैंक में कैश कम होने की वजह से सेल्वी को अरेस्ट कर लिया गया, बदलामे की जिंदगी ना सहते हुए सेल्वी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद एंडी एसआई को पूछने लगता है कि सर आपकी कहानी बताइए, तो एसआई बहुत सोचने लगता है। एंडी कहने लगता है, ठीक है सर आप अपना टाइम लीजिए, मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताता हूँ। एंडी की बहुत ही सिंपल कहानी होती है, एंडी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सैंडी, और ये सैंडी एंडी के गर्लफ्रेंड के साथ मजे करते रहता है। ये जानने के बाद एंडी सैंडी को गोली से उड़ा देता है। सो एंडी कहने लगता है कि थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने मुझे जेल से बाहर निकाला। यसआई से पूछने लगता है, चलिए सर
अब तो बता दीजिए। एक दिन सागर नाम का एक बंदा इस एसआई के पास आता है। उस वक्त एसआई सागर इसके पास एक कंप्लेंट लाया होता है। कहने लगता है कि सर, एक छोटा सा गांव है, रिसेंटली तूफान आने की वजह से वो सारा गांव डूब गया। पिछले सालों में भी बहुत बड़े तूफान आए थे, लेकिन उस गांव को कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार वो गांव डूब गया। बात यह है कि समंदर और इस गांव के बीच एक नदी है। उस नदी में काफी सारी रेत थी, वही रेत इस गांव को बचा रही थी तूफानों से। लेकिन एक कंपनी बिना परमिशन के रेत की स्मगलिंग करने लगी। इस स्मगलिंग में बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ है। नदी में रेत ना होने की वजह से तूफान में वो गांव डूब गया। सर, ये सारा स्कैम मैनोरा नाम की एक कंपनी कर रही है, और इस स्कैम में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल है। इस तरह से ये सारे एविडेंस की फाइल उस एसआई को देने लगता है। सो उसी वक्त वो एसआई उस एजुकेशन मिनिस्टर को कॉल करके सारी बात बताने लगता है कि एक बंदा मेरे पास आया है आपकी कंप्लेन लेकर। एजुकेशन मिनिस्टर कहने लगता है कि देखो प्रभाकर, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, मैं तुमको 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, उसको रास्ते से हटा दो। इस तरह से वो एसआई सागर को मार मार के मार देता है और अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि एक्सीडेंट का केस लिख दो, बता दो कि दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। सो प्रेजेंट डे पर एंडी टेबल के कैंडल्स बुझा देता है। थोड़ी देर के बाद एंडी नाट्य करते हुए इस पुलिस वाले के सामने आता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ का एक भी इंसान मरा नहीं होता, सारे लोग जिंदे होते हैं। वो डॉक्टर सुधा इस पुलिस वाले को मार पीटते हुए पूछने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि राजू, वेदा, कोदंडम, रामकृष्णा, सुधा, रमणा, कीर्ति और अशोक, ये सारे लोग एक ही फैमिली के हैं, और इसी तरह ये इनके असली नाम नहीं होते, और उसी तरह ये सारे लोग सागर की शादी की तैयारी में लगे रहते हैं। मतलब आज सागर की शादी होने वाली होती है। इसी खुशी के मौके पर सागर की माँ को ये बात पता चलती है कि सागर अब इस दुनिया से जा चुका है। श्राद्ध करने के लिए ये मॉर्चरी रूम पर जाती है। बेचारी सागर की माँ बहुत फूट फूट के रोने लगती है, और ऊपर से ये इसका लौता बेटा होता है। मूवी की स्टार्टिंग में जिस बंदे को दिखाया गया था अस्थियां लेते हुए, वो और कोई नहीं अशोक होता है, सागर का भाई। खैर ये सब होने के बाद सागर की माँ शिवजी के मंदिर पर जाकर रोते हुए शिवजी से सवाल करने लगती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, भगवान तुमने मेरे बेटे को क्यों छीन लिया। इस तरह से अपने सर को बार बार पटक कर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर एंडी आता है। इसका असली नाम होता है विराजी। विराज वैजाग का कलेक्टर होता है। रिसेंटली ये यहाँ पर ज्वाइन हुआ होता है। सागर की माँ से प्रॉब्लम पूछने लगता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो सागर की माँ सब कुछ बताने लगती है कि इसके बेटे सागर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। मेरा बेटा दारू नहीं पीता, और उसी तरह मेरे बेटे को ड्राइविंग भी नहीं आती। जब मैं अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने के लिए गई तो उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे। विराज कहने लगता है कि माँ जी, मेरी माँ को नाट्य बहुत पसंद है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। हर साल मैं इस मंदिर में आकर यहाँ पर नाट्य करता हूँ, अपनी माँ की परंपरा को निभाते रहता हूँ। आपके बेटे का मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको इंसाफ दिलाकर ही रहूँगा। आपको इंसाफ दिलाने के बाद ही मैं अपना नाट्य पूरा करूँगा। इस तरह से विराज सागर की माँ के घर पर आकर सारी फैमिली वालों को एक प्लान बताते हुए इनको एक रोल दे देता है। सो ये सारे लोग उस बंगलों में आकर अपना अपना रोल प्ले करते रहते हैं। प्रेजेंट डे पर प्रभाकर ने जो भी चीज कन्फेस किया वो विराज रिकॉर्ड कर चुका होता है। उसके बाद पुलिस वाले आकर इस प्रभाकर को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।